ऑडियो 8 असंयम बनाम आत्मघात। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आरोग्य रक्षा के प्रति सतर्क रहें। कुछ अपंग अविकसित अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी मनुष्य एक जैसी स्थिति में उत्पन्न होते हैं। आरोग्य से लेकर जीवन के अनेकानेक क्षेत्रों में दृढ़ता एवं प्रगति की सफलताएं तो मनुष्य की अपनी गतिविधियों पर निर्भर रहती हैं। अपना आरोग्य यदि पिछड़ा या बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए परिस्थितियों को दोष देते रहने से काम नहीं चलेगा। अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं अपने से ही भूल होती है या होती रही है, अपने पैर कुल्हाड़ी मारने से ही यह जख्म हुआ है, ऐसा दूसरा कोई पास में दिखता नहीं जिसके कारण इतनी मजबूत इमारत खोखली होती। आँख बंद किए रहें तो बात दूसरी है, अन्यथा पलक खोलकर देखने पर वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती है और वह छिद्र स्पष्ट दिखता है जिसमें होकर इस नाव में पानी भरा है और वह डूबने के करीब जा पहुंची है। अपनी ही बुरी आदतें हैं जिनने घुन की तरह इस मजबूत शहतीर को खोखला करके रख दिया है। यदि अपनी भूलें स्वास्थ्य की बर्बादी का कारण समझ में आ सके और उनका पश्चाताप हो तो प्रायश्चित एक ही है कि जो कुछ हो चुका है उसे सुधारने के लिए उतनी ही हिम्मत के साथ कदम बढ़ाए जाएं, जितने उत्साह से निराशा के पथ पर बढ़ने में उत्साह दिखाया गया है। देखा जाता है कि सृष्टि के समस्त प्राणी अपने लिए निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हैं। अंतः चेतना में विद्यमान प्रकृति प्रेरणा मार्गदर्शन करती है और प्राणी उसका अनुसरण करते हैं। इतने भर से सुव्यवस्था बनी रहती है और आरोग्य पर कोई आँच नहीं आने पाती। हर प्राणी के लिए जीवन निर्वाह की आचार संहिता उसकी मूल प्रकृति में मौजूद है। यदि उसे विकृत न किया जाए तो वह ऐसा मार्गदर्शन करती रहती है जिसका अनुसरण करने पर किसी रोग को पूर्णायुष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आदत बिगड़ने पर तो कोई भी अनुपयुक्त आचरण करने लग सकता है। घोड़ों को शराब, बंदरों को भांग, पक्षियों को अफीम की थोड़ी थोड़ी मात्रा देकर पीछे उन्हें ऐसा अभ्यस्त बना लिया जाता है कि बिगड़ी आदत के अनुसार ही उनके आचरण होते हैं। इंद्रियों की आदतें हमें बिगाड़ती हैं, पीछे वे इतनी ढीठ हो जाती हैं कि उसी गिरी आदत को पूरा करने के लिए मचलती रहती हैं। उसमें कमी पड़े तो रोटने मटकने लगती हैं। नवजात बालक की जीभ पर जरा सी मिर्च लग जाए तो वह बेतरह व्याकुल हो जाता है। पीछे वह अभ्यास चलता रहे तो मिर्च के बिना भोजन में रस ही नहीं आता और कई बार तो उसकी मात्रा बढ़ाते रहने पर ही संतोष होता है। यही बात तंबाकू आदि नशों के संबंध में है। आरंभ में उनके तनिक से सेवन से मिचली आती है, पीछे अभ्यस्त बनते बनते उसे खाए पिए बिना टट्टी उतरना कठिन हो जाता है। यह अभ्यास की करामात है जिसके सहारे बुरे आचरण के लिए भी मनुष्य विवश होता चला जाता है। मूल प्रकृति को समझा गया होता, प्रकृति के संकेतों का अनुसरण किया गया होता तो न स्वास्थ्य संवर्धन के उपाय खोजने पड़ते और न रोग निवारण के उपाय। चार खोजने के लिए जहाँ तहाँ ठोकरे खाते फिरने की, पैसा समय गंवाने की झक न मारनी पड़ती, तब सृष्टि के अन्य प्राणियों की तरह अपना जीवन भी बिना दुर्बलता एवं निरुग्णता का कष्ट सहे हुए आनंदपूर्वक व्यतीत हो रहा होता। अपना शरीर काम चलाओ भले ही हो, पर जिसे स्वस्थ कहा जा सके उस स्तर की उसकी स्थिति कहाँ है। फिर आए दिन छोटी बड़ी बीमारियों की खटखट भी तो लगी रहती है। अपच को ही लें, स्वभाव का अंग बन जाने से अखरता नहीं, किंतु है तो वह भी शरीर में जड़ता, आलस्य, उदासी, अनक आदि कितने भार लादे रहने वाला अभिशाप ही। नींद में कमी, सिर का भारीपन या छोटे रोग ही हैं, पर पेड़ में लगने वाली दीमक की तरह उनकी विनाश लीला तो किसी प्रकार कम नहीं है। मसूड़ों में पाया जाने वाला पायरिया तो बहुत कष्टकर होता है और विद्रूप भी। मुंह की बदबू और पेट में पहुंचने वाला मवाद कितनी अधिक हानिकारक होती है इसका पता आरंभ में नहीं बाद में चलता है। अपने शरीर को छोटी हानि सहनी पड़ रही या बड़ी इसकी विवेचना करना आवश्यक नहीं, इतना जान लेना ही काफी है कि छोटे से विकार भी यदि पनपते रहें तो अंततः भारी संकट उत्पन्न करते हैं। छप्पर के एक कोने में आग बढ़ते बढ़ते उस घर को और समूचे गाँव को जला डालने वाली विभीषिका बन जाती है। यदि कोई बड़ा रोग नहीं है किंतु अपच जैसे घुन स्वास्थ्य को खोखला करने में लगे हुए हैं तो भी यह कम चिंता की बात नहीं है। उसके द्वारा पहुंचने वाली क्षति बढ़ते बढ़ते आय का बड़ा भाग समाप्त कर सकती है और आगे चलकर किसी भयंकर रोग का कारण बन सकती है। ऐसा न भी हो तो उसकी वर्तमान क्षति ही कौन सी प्रसन्नतादायक है।
उससे कुछ तो असुविधा होती है। क्रिया शक्ति की घटोत्तरी उत्साह और स्फूर्ति की कमी से भी तो अर्धमृतक की स्थिति बन जाती है, और जो कुछ किया या पाया जा सकता है उसका आधा अंश ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। हमें अपने स्वास्थ्य में यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी दिखती है तो उसे संभालने सुधारने में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रोग और शत्रु को छोटा मानकर नहीं चलना चाहिए। यह बड़ों की शिक्षा बहुत ही अनुभवपूर्ण है। हम दूसरों के लिए इतना करते हैं कि अपने संबंध में सोचना या करना नहीं बन पड़ता। यह आत्म प्रवंचना अपनी त्याग वृत्ति का रौब काटने के लिए गढ़ी जाती है, पर वस्तुतः उसमें अदूरदर्शिता और प्रमाद की वृत्ति ही काम करती है। दूसरों को संभाला जा सकता है तो अपने आप को भी क्यों न संभाला जाए। बच्चे को स्वच्छ रखा जा सकता है और स्वच्छता अच्छी बात समझी जाती है तो स्वयं भी स्वच्छ क्यों ना रहा जाए। शरीर दुर्बल और अस्वस्थ रहने लगे और स्वयं उसकी ओर आंखें बंद करके रहा जाए तो इसमें अदूरदर्शिता का ही परिचय मिलेगा। आहार और विहार संबंधी मर्यादाओं का उल्लंघन ही समस्या बिगाड़ने का एकमात्र कारण है। सृष्टि के समस्त प्राणी अपनी शारीरिक मर्यादाओं का पालन करते हैं, फलस्वरूप वे अल्प बुद्धि और साधनहीन होने पर भी सदा निरोग बने रहते हैं। जलचर, थलचर, नभचर सभी जीव जंतु आमतौर पर निरोग रहते हैं। दृष्टि दौड़ाकर देखिए, 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी जीव आरोग्य का आनंद उठाते अपने जीवन के दिन पूरे करते दिखाई देंगे। खोजने पर भी बीमारियों में पड़ा कराहता हुआ कोई प्राणी दिखाई न देगा। एक अभागा मनुष्य ही ऐसा है जिसे अपने बहुमूल्य जीवन का एक बहुत बड़ा भाग बीमारी और कमजोरी की व्यथा सहते हुए बर्बाद करना पड़ता है। बुद्धिमानों का यह कथन सर्वांश में सत्य है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल आधार शरीर है। दुर्बल और रुग्ण शरीर वाला अपनी जीवन यात्रा का भार स्वयं वहन नहीं कर पाता। उसे पग पग पर दूसरों की सहायता अपेक्षित होती है। दूसरे लोग सहायता न करें तो अपना ही काम न चले। लोग धर्म कार्य कर सकने के लिए श्रम कैसे कर पाएंगे? धन कमाने के योग्य पुरुषार्थ भी कैसे बन पड़ेगा? कामोपभोग के लिए इंद्रियों में सक्षमता कैसे स्थिर रहेगी? और फिर मोक्ष के योग्य श्रद्धा, विश्वास और धैर्य, श्रम के संकल्प का बल भी उनमें कहाँ से रहेगा? इसलिए बीमार और कमजोर आदमी इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकने की स्थिति में नहीं रहता। रोग को पाप का फल माना गया है। वस्तुतः वह प्रत्यक्ष नरक ही है। नरक में पापी लोग जाते हैं। स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करना भी सदाचार के धर्म के नियमों को तोड़ने के समान ही अनुचित है। जब झूठ, हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि दुष्कर्मों द्वारा सामाजिक एवं नैतिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ईश्वरीय और राजकीय दंड भोगते हैं तो स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करने वाले क्यों पापी न माने जाएंगे? क्यों उन्हें प्रकृति दंड न देगी? शरीर के भीतर व्यथा और बाह्य जीवन में असफलता, यह दुहरा दंड उन लोगों के लिए सुनिश्चित है जो पेट पर अत्याचार करके उसे शक्तिहीन बना देते हैं। चटोरेपन की बुरी आदतें ही स्वास्थ्य की बर्बादी का एकमात्र कारण है। इसलिए उन आदतों को भले ही राजकीय दंड विधान में अपराध न माना गया हो, पर प्रकृति की दंड संहिता में अपराध ही गिना गया है और उसके लिए वह दंड सुनिश्चित है जिसे आज सभी भुगत रहे हैं। भीतर व्यथा और बाहर असफलता के दंड हम में से अधिकांश को आज सहने पड़ रहे हैं। आयुर्वेद शास्त्र का मान्य सिद्धांत यह है कि संपूर्ण रोग पेट के अपच से आरंभ होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में भी यह मान्यता है कि संपूर्ण रोगों का एकमात्र कारण कब्ज है। अनेक रोग तो उसके बाह्य रंग रूप मात्र हैं। इन सबकी जड़ पेट में रहती है। पेट खराब रहने से सभी रोग उपजते हैं, पर पाचन क्रिया के ठीक रहने पर कोई आकस्मिक रोग बाहरी कारणों से लग जाए तो वह जल्दी ही अच्छा हो जाता है। एक यूनानी कहावत है, रोग और आरोग्य दोनों की कुंजी हर मनुष्य के पेट में सुरक्षित रखी हुई है। जिसे कब्ज रहता है उसे विभिन्न रोगों का शिकार रहना ही पड़ेगा। जिसका पेट ठीक है उसके आरोग्य को कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। इस तथ्य को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। यदि पेट में पड़े हुए आहार का ठीक प्रकार पाचन न हो तो वह सड़ने लगता है। सड़न से विषैली गैस उत्पन्न होती है और विष फिर रक्त में मिलकर या श्वास प्रश्वास क्रिया के सहारे सारे शरीर में घूमने लगता है। उस विष को ठहरने के लिए जहाँ भी आश्रय मिल जाता है वहीं अधिक होते ही रोग फूट निकलता है। रेगिस्तानों में रेत की आंधियाँ चलती रहती हैं।
उड़ते हुए रेत को किसी पेड़ या चट्टान आदि के सहारे थोड़ा सा रुकने का आश्रय मिल गया तो कुछ ही देर में वहाँ रेत का एक टीला जमा हो जाता है। यही बात हमारे शरीर में कब्ज के कारण उत्पन्न हुए विष की है। सांस के साथ वह एक आंधी की तरह घूमता है और जहाँ भी थोड़ा सहारा मिला वहीं अड्डा जमा कर बैठ जाता है। बरसाती नदियों में पहली वर्षा होते ही आसपास का कूड़ा कचरा इकट्ठा होकर बहने लगता है। यह कचरा अपने ढंग से यूं ही बहता चला जाता है, पर यदि कहीं पानी में थोड़ी सी रोक या मोड़ आ जाए तो वह कचरा वहां जमा होने लगता है। नाली मोरियों में रुकावट पड़ने पर कूड़ा कचरा जमा होने का दृश्य हर जगह देखा जा सकता है। यही बात हमारे शरीर की भी है। पेट में निरंतर विष की उत्पत्ति एकमात्र कब्ज से होती है। कुछ भारी एवं सामयिक कारण भी शरीर में विष की मात्रा उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं, पर उनका प्रभाव थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाता है। रक्त में श्वेत कणों की मात्रा यदि पर्याप्त हो तो बाहरी विष से लड़ने और परास्त कर बाहर निकाल फेंकने की बात आसानी से पूरी हो जाती है। जिस प्रकार सरकार शत्रुओं से देश की रक्षा करने के लिए सेना व्यवस्था रखती है, वैसे ही हमारे रक्त में भी श्वेत कणों की एक ऐसी फौज रहती है जो किसी बाहरी हमले का आसानी से मुकाबला कर सकती है, उसे परास्त करके देह से निकाल फेंकने में पूर्णतया सफल हो सकती है। छूत की बीमारियां आमतौर से उन्हें लगती हैं जिनका रक्त पहले से ही दूषित होने के कारण अपनी प्रतिरोधक शक्ति खो बैठता है। हैजा, प्लेग आदि महामारियों के दिनों में भी अनेक स्वयंसेवक रोगियों की सब प्रकार की सेवा करते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। पर सब तरह बचने वाले लोग वायु में उड़ने वाले कीटाणुओं से ही प्रभावित होकर उन फैली हुई महामारियों से ग्रसित हो जाते हैं और बचाव की बाहरी व्यवस्था द्वारा बहुत प्रयत्न करने पर भी अपनी जान खो बैठते हैं। कब्ज एक स्थायी रोग सरीखा बन जाता है। खानपान संबंधी बुरी आदतों से सताया हुआ पेट अंततः अशक्त हो जाता है और अपना काम ठीक तरह कर सकने के अयोग्य हो जाता है। किसी प्रकार गाड़ी खींचती तो है, जीवन रक्षा होती रहे इतना पहिया लुढ़कता तो है, पर अपच के कारण उत्पन्न हुई सड़न तो निरंतर जारी ही रहती है। निरंतर झड़ते रहने वाले पानी के झरने से सदा धार बहती ही रहती है। निरंतर आग उगलने वाले ज्वालामुखी से सदा धुआं ही निकलता रहता है। कमजोर पेट में जब कब्ज रहने लगा तो वहां से भी विषों का उत्पादन निरंतर ही होता रहेगा। निरंतर की लड़ाई लड़ना किस सेना के बस की बात है। मौके मौके पर युद्ध कौशल दिखाया जा सकता है, पर अनंत काल के लिए 24 घंटे गोली चलाते रहने का भार जिस सेना पर आ पड़े और शत्रु का दल बादलों की तरह उभरता हुआ निरंतर चलता ही आवे तो सैनिक कब तक अपने पैर टिकाए रहेंगे। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति का भी इस निरंतर की कब्ज से उत्पन्न विषों के साथ लड़ते लड़ते एक प्रकार से अंत ही हो जाता है। तब फिर शत्रुओं को खुलकर खेलने का अवसर मिलता है और देह नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होती जाती है। रोगों के नाम, लक्षण, चिन्ह, निदान के झंझट में पड़ने और उनके वर्गीकरण की उखाड़ पछाड़ में उलझने से कुछ लाभ नहीं। पेट में उत्पन्न हुआ विष जिस स्थान पर जमा होगा वहीं पीड़ा देगा। गांठों में जमने से उसका नाम गठिया, सिर में जमने से सिरदर्द, फेफड़ों में जमने से छह, श्वास नली में जमने से खांसी, चमड़ी में जमने से खुजली, दांतों में जमने से पायरिया, गुर्दे में जमने से बहुमूत्र, उंगलियों में भर जाने से कोढ़ हो जाएगा। बीमारियों का नामकरण करने और उनके निदान लक्षण में माथापच्ची करने से क्या लाभ। गांठों की बीमारी, सिरदर्द की बीमारी, कान की बीमारी, दांतों की बीमारी कहकर भी वही प्रयोजन सिद्ध हो सकता है जो बड़े बड़े वैद्यों से रोग का निदान और नामकरण कराने से होता है। पेट में उत्पन्न होने वाली सड़न शरीर के किसी भी भाग में पहुँच सकती है और उससे किसी भी अंग में रोग उत्पन्न हो सकता है। डकारों में मुँह की ओर वायु से गुर्दा मार्ग की ओर वह सड़न गैस के रूप में बाहर आती है तो उसकी दुर्गंध का कुछ अनुभव हो जाता है। यह गैसें अपने साथ सड़न भरे और भी विषाक्त तत्व साथ में उड़ाकर लाती हैं तो इनका जमाव प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जीभ और दांतों पर जो मैल रोज जमता है वह पेड़ से उड़कर ऊपर आई हुई गैसों का ही विकार है। धुआं जहाँ उठता रहता है वहाँ छतों पर कालिख जमा हो जाती है। जीभ और दांतों का मैल इसी प्रकार की कालिख है जिसे रोज साफ न किया जाए तो मुंह में बदबू आने लगे और स्वाद कड़वा रहने लगे। यह विकार जब तेज हो जाते हैं तो मसूड़ों को गलाने लगते हैं, तब पायरिया हो जाता है, जीभ में छाले रहने लगते हैं, सांस के साथ बदबू आने लगती है, सोते में लार बहती है। यह सब एक ही बात के विभिन्न स्वरूप हैं। रक्त में विकार घुल जाने से पित्ती, चकत्ता, फुंसी, दाद, कोढ़, खुजली,
गठिया आदि कितने ही तरह के रोग फूट निकल सकते हैं। हृदय की धड़कन, लकवा, दमा, प्लोरिसी, आंत्रक्षय, ज्वर, उन्माद, स्नायु दौर्बल्य, नासूर, नपुंसकता जैसे कुछ रोग ऐसे हैं जो स्वतंत्र प्रकृति के दिखाई पड़ते हैं, पर इनके मूल में भी उन विषयों का धीरे धीरे संचित होते रहना ही कारण होता है। चोट लगना, जलना जैसे बाहरी कारणों से भी कभी कभी शारीरिक कष्ट होते हैं, पर यदि रक्त की शुद्धता अक्षुण्ण हो तो उनके अच्छे होने में देर नहीं लगती। शुद्ध रक्त अपनी जीवनी शक्ति के आधार पर ऐसे आघातों का समाधान जल्दी ही कर देता है। एक छोटा सा घाव भी लंबा समय लेकर कठिनाई से अच्छा होता है। जिनके रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक होती है उन मधुमेह के रोगियों की छोटी सी फुंसी भी महीनों में अच्छी होती है। कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़े तो उसका घाव भरना कठिन हो जाता है। कोढ़ी का खून ही खराब हो जाता है। उसकी उंगलियों पर छोटे छोटे जख्म होते हैं पर वे किसी भी दवा से अच्छे नहीं होते। ऐसी ही खराबियों के कारण भीतर ही भीतर जहाँ तहाँ पीड़ाएँ उठती रहती हैं और मनुष्य उनसे निरंतर दुख पाता रहता है। जब दांत उखड़ने का समय आता है तो सालों तक उनमें दर्द, सिर में दर्द, पसली में दर्द, आए दिन ऐसे ही झंझट खड़े रहते हैं। स्त्रियां जब मासिक धर्म से होने को होती हैं तब उन्हें कई दिन तक बुरी तरह पीड़ित रहना पड़ता है। प्रसव काल भी उनके लिए मृत्यु जैसा कष्टकारक होता है, पर ऐसा होता तभी है जब रक्त की सजीवता क्षीण हो चुकी हो। जिनकी जीवनी शक्ति सक्षम है उन्हें इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। बुढ़ापे में भी उनके दांत, आंख सब काम करते रहते हैं। देहातों के श्रमशील नर नारी जिनका पाचन ठीक रहता है उन्हें इस प्रकार की कठिनाइयों में पड़ने और व्यथा सहने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। पाचन क्रिया की खराबी समस्त रोगों की जड़ है। यदि जड़ काट दी जाए तो पेड़ के पुष्प पल्लव भी सूखने लगेंगे। जिसकी जड़ें हरी हैं उसे ऊपर से काट भी दिया जाए तो फिर नई शाखाएं फूटने लगेंगी। बीमारियों की जड़ निश्चित रूप से पेट में है। जिस अंग में रोग है वहां भी उपचार करने में हर्ज नहीं। रोग की स्थानीय चिकित्सा भी होनी चाहिए, पर जड़ को ठीक किए बिना बाहर की लेपापोती से क्या काम बनने वाला है।